ये भागवत कह रही है, देवता और दैत्य एक ही पिता की संतान है, दो पत्नियों की, अदिति और दिति। अदिति ने देवताओं को जन्म दिया, दिति ने दैत्यों को जन्म दिया, पिता एक ही है। और एक ही घर में दो प्रकार की संतान होती है, ये और सब कान खोल के सुन लो। एक ही जैसी औलाद होने के लिए तो माता पिता को कई जन्मों का तप लगाना पड़ेगा। अच्छा अच्छा हो सब तो नहीं, तो हर बच्चे के अंदर कोई अलग टैलेंट होता है, अलग अच्छाई होती है, अलग बुराई होती है, सबके पास अलग अलग होता है। माँ तो माँ होती है, चाहे कितना भी बेकार हो बच्चा, पर माँ उसकी भलाई के लिए भी भगवान से रोती रहती है। अदिति माता रोती रही, कश्यप ऋषि ने अदिति को कहा, देखो मेरे से तो आशा मत रखो, क्योंकि मेरे पास कुछ है ही नहीं, तो मैं कहाँ से दूँ उनको, तो क्या करें, तो आप तो ज्ञानी हैं, कोई युक्ति बताओ, कोई मार्ग बताओ। तब महर्षि कश्यप ने पत्नी को पयोव्रत का ज्ञान दिया, जाओ पुत्रों के कल्याण के लिए अगर माँ पयोव्रत करती है तो पुत्रों की गरीबी दूर हो सकती है। कैसे करें पयोव्रत, तो कहा माँ संफाल गुणम गति, माँ संफाल गुणम गति शेषम एकादशौ तिथि ये वे वास्करम कर्म ये वे हरि नारायणम। श्री नारायण जी के मंत्र को लेकर शुक्ल पक्ष फागुन मास की एकादशी में माँ को व्रत करना चाहिए। कैसा व्रत करें, सूर्य उदय से सूर्य अस्त पर्यंत आसन का त्याग ना करें माँ। सूर्य की साक्षी में भगवान नारायण का ध्यान करे, भजन करे और मलमूत्र के बेग को रोक के रखे, थूक खकार को भी रोक के रखे, भूख और प्यास को भी रोक के रखे और मन विचलित न होते हुए एकाग्र आसन पर बैठकर मात्र 12 घंटे भी भगवान का ध्यान करती है तो बच्चों की गरीबी जड़ से खत्म हो सकती है। ये व्रत बड़ा सरल है, एक दिन का है, पर आज तक कोई कर नहीं पाया इसको। हमारी चेलियां बड़ी कोशिश कर करके रह गई, थक गई पर फेल हो गई, क्योंकि हम बताते रहते हैं तो सब तो लालच है ही, करने की कोशिश करती हैं माताएं पर हो नहीं पाता। 12 घंटे का है, थोड़ा कठिन है, जीव के ऊपर आया हुआ पानी भी गले के अंदर नहीं जाना चाहिए। क्या करें फिर, तो कहा सर्व इंद्रियांत गते भूयांत, सब इंद्रियों को जीत कर मन बुद्धि चित्त अहंकार को निर्मल करके मलमूत्र थूक खकार आदि का त्याग करके एक स्थान पर नारायण का मंत्र जाप करें, गुरु मंत्र हरि मंत्र जो भी आपको प्रिय है, वो भी किसी भी मंत्र से प्रसन्न हो सकते हैं भगवान, पर उसके लिए हमारी एकाग्रता चाहिए।